हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं रिवीजन, और ये होगा महा रिवीजन अनुच्छेदों का दोस्तों। और देखते हैं हमारी ट्रिक आपके काम आती है नहीं, रियल में ये काम करती है नहीं। दोस्तों ये सारे देखिए, दोस्तों ये सारे अनुच्छेद जो कि लगभग मैंने सभी शामिल कर लिए दोस्तों, जितने महत्वपूर्ण थे, हालांकि कुछ छूट गए हैं। तो दोस्तों कोई बात नहीं, और देखते हैं हमारी ट्रिक काम करती कि नहीं दोस्तों, क्योंकि हमने 6 क्लास में कंप्लीट किया सारे अनुच्छेद। ट्रिक से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और आपको याद होना चाहिए, और देखते हैं याद होते नहीं, बिना देखे बिना ऑप्शन किए डायरेक्ट हमारी ट्रिक काम करती है नहीं। बस आज इस क्लास में देखिए दोस्तों, कुछ ही मिनटों में आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों क्या आप हथियार बंद हैं? तो अगर नहीं है आपके पास हथियार तो अभी जाइए, और या फिर बाद में देखिएगा हमारी 6 क्लास जो कि दोस्तों बनी है अनुच्छेदों पर, लगभग 15-16 मिनट की होती है दोस्तों। आपका एक डेढ़ घंटे में सारी क्लास खत्म हो जाएंगी, उसके बाद ही दोस्तों ये क्लास देखिएगा, और दोस्तों बहुत ही मजा आपको आएगा, रियल में सारे अनुच्छेद फिट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों हम चलते हैं दोस्तों और शुरुआत करते हैं अनुच्छेदों पर। देखते दोस्तों इसमें हो सकता है मैं सबको न लिख पाऊं, ठीक है, तो लेकिन मैं बोलता हुआ चला जाऊंगा। दोस्तों देखिए इतनी तगड़े तरीके से आपको सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे कि यार वास्तव मजा आ जाएगा। हो सकता है दोस्तों इस तरह क्लास आपको पूरे क्या बोलते बोल नहीं सकता, लेकिन हो सकता है दोस्तों ना मिले, क्योंकि डायरेक्ट लिंक यार अंकों से कौन बताता है, मुझे लगता है बहुत ही कम बताते हैं, वो भी इस तरह के अंक, वो भी डायरेक्ट लिंक, वो माय गॉड। देखते हैं दोस्तों याद होते हैं कि नहीं। दोस्तों क्या आप तैयार है? दोस्तों मुझे डर लगता है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मेरे पास है क्या हथियार, हथियार जिसके पास होता है वो कभी नहीं डरता, ओके। जिगर और हथियार तो दोस्तों मेरे पास है और आपके पास भी होना चाहिए, नहीं है तो पिछली क्लास देखिए, मतलब कहने का है पिछली क्लास देखिए, वहां पर हथियार बताया गया कैसे कैसे याद रखना है और कैसे कैसे यहाँ पर खेलना है। तो देखिए दोस्तों आप बचपन में गिनती पढ़े होंगे, बस उसी तरह से आप गिनती को पढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो तैयार रहे दोस्तों, और देखिए दोस्तों बीच में वीडियो में कट करता हूँ या नहीं दोस्तों, ये आप कमेंट करके बताइएगा अगर कट होती है वीडियो। मुझे लगता होगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर होती है तो आप ध्यान से देखिए कहाँ कट होती है, और अगर कट होगी तो मान लीजिए वहीं डिस्टर्ब में हो गया, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि दोस्तों वीडियो नहीं कट होगी, अगर होती है तो देखते हो दोस्तों सबसे पहला कमेंट किसका आता है। तो आर यू रेडी गाइस? यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 से 4 इसमें क्या है दोस्तों, इसमें संघ और राज्य के क्षेत्र है, ठीक है। उसके और जैसे आप समझे कि 2 में क्या है, तो उसके नए राज्यों की स्थापना और निर्माण इसमें है। जैसे अनुच्छेद 3 में है उनका सीमा, क्षेत्रों का सीमा और स्थापना, ठीक है, निर्माण करना नए राज्यों की, ये सब कुछ में है 3 में। अब देखिए दोस्तों अगला है 5 से 11, इसमें क्या है अनुच्छेद, इसमें नागरिकता है। 5 से 11 लेकर हमने याद किया था, बोली बहुत ही भली भांति से कैसे याद किया था, यानी कि 5-11 दोस्तों कोई भी नागरिक हमारे भारत में आता है तो अगर परमिशन की आता है तो उसको बोलते हैं यार भगा दो, यानी कि दोस्तों भाग 2 में नागरिकता है, और यानी कि भगा दो मतलब 9-2 11 कर दो, ठीक है, यानी 5-11 यहां से आपको याद आ जाएगा। आगे अनुच्छेद 12, इसमें क्या है दोस्तों, देखिए 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब देखिए इसमें भाग है 3, ठीक है, हम भाग में वीडियो बना चुके हैं, ट्रिक बना चुके हैं, याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों 12 क्या है, इसमें मौलिक अधिकार जो है उसकी परिभाषा, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और देखिए अनुच्छेद 14 आता है जो कि रियल रोल यहाँ से चालू होता है, 14 से 18 तक देखिए हमारे पास जो कि मौलिक अधिकार 6 हैं तो ये दिए गए हैं दोस्तों, और 14 से 18 तक हमारा है क्या, समता या समानता का अधिकार 14 से 18 तक, जिसमें हम दोस्तों 14 पढ़ेंगे। 14 में क्या है तो देखिए दोस्तों 14 यानी कि अगर कानून वगैरह बनता है तो क्या सबके लिए नहीं, चारों तरफ वो एक ही रोल अदा करता है, चारों तरफ से 14 अगर कानून वगैरह बनता है तो, यानी कि दोस्तों विधि की समानता, ठीक है, किसमें है 14 में। तो क्या दोस्तों मैं लिखूं, मुझे लगता है लिखे और वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप ध्यान रखिएगा, विधि की समानता है, ठीक है। अब देखिए 15 आता है, 15 हर बंदा यहाँ पर दोस्तों अधिकार की हर बंदा कोई भी बंदा भेदभाव नहीं कर सकता, यानी 15 बंदा भेदभाव नहीं कर सकता। तो दोस्तों भेदभाव किसमें हुआ, 15 में हुआ, ठीक है, ये भी याद हो भेदभाव। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है, 16 है। अब 16 क्या है भाई साहब, 16 यानी क्या होता है, 100% 100% हर व्यक्ति का चांस है, मौका है कहीं भी सिलेक्ट होने का, 100% चांस है। तो 100 से दोस्तों क्या हुआ, अवसर की समानता, अवसर क्या है 100% है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, अवसर की समानता। अब देखिए 17 कैसे है, 17 स्पष्टता
यहाँ दोस्तों छुआछूत अस्पृश्यता किसमें हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद हुआ 17 अस्पृश्यता, ठीक है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा अस्पृश्यता। अब देखिए 18 क्या है, 18 ओ माय गॉड 18 नहीं, हटाओ यार हटाओ, अगर कोई उपाधि धारण करता तो उसको हटाओ, नहीं नहीं उपाधि का धारण उपाधियों का अंत करो, ठीक है। यहाँ से याद किया था, अगर उपाधि होता पदवत कोई धारण करता है अपने आप में तो उसको अंत करो यार, उपाधियों का अंत। और इसी में दोस्तों क्या है, हमारे जो भी भारत रत्न यानी कि पुरस्कार है भारत के, सारे कुछ इसी के अंतर्गत दिए जाते हैं, उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत। याद हुआ दोस्तों 19 है, ओ माय गॉड, इसमें क्या है 19 निस निस बनाने की हर किसी को हर कोई स्वतंत्र था दोस्तों, 19 से लेकर कहां तक 22 तक, ठीक है, 19 से लेकर 22 तक क्या है स्वतंत्रता है, ठीक है। देखिए दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार है, तो 19 यानी कि निस निस आता है, निस यार कोई भी कहीं बना सब कोई स्वतंत्र है, ठीक है, निस बनाने के लिए, ठीक है, अपना कोई भी निस तैयार कर सकता है बना सकता है, तो निस 19 और निस 19 का मतलब दोस्तों क्या है, इसमें 6 प्रकार के में स्वतंत्र मिलते हैं, जैसे कि गई घूमने बोलने और भाषण देने की, और दोस्तों क्या बोलते हैं कि संघ बनाने के बिना हथियार लिए, ऐसे सब कुछ है, कहाँ दोस्तों व्यापार करने वाले की सब स्वतंत्र है 19 में। और दोस्तों 19 का में हमारा प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रहे 19 का में दोस्तों याद रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता है, ओके 19 का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से 19 यानी कि दोस्तों क्या है इसमें स्वतंत्रता है, ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। अब देखिए 20 आता है, 20 में क्या है, तो इसमें स्वतंत्रता होगी, लेकिन कैसी स्वतंत्रता है कि आप यानी कि 20 20 20 यानी कि दोस्तों 20 20 सड़क में अगर आप अपराध वगैरह करते हैं तो दोषी दोषपूर्ण यानी कि दोषी ठहरा जाएंगे। इस तरह दोस्तों क्या हुआ था उपाधि यानी कि विरोध क्या बोलते हैं इसको यार मैं क्या बोलूं इसको यानी कि दोस्तों क्या बोलते हैं अपराध सिद्ध दोष सिद्ध होने के कारण ऐसे कुछ है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा अपराध 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 दोषपूर्ण रहित ऐसे कुछ है, ठीक है, तो यही समझ दोस्तों कि। और आगे देखिए दोस्तों 21 आ तो 21 में क्या है दोस्तों, 21 में हमारा क्या है दोस्तों, ये है इसमें 21 का, वैसे भी दोस्तों इसमें 21 बोलते हैं ना एक 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 यार प्राण हो तो इसको दाह करो या संस्कार करो, भाई एक एक ही हमारे पास प्राण है, इसको दाह करो या संस्कार करो कुछ भी, यानी कि क्या हुआ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता। थोड़ा सा दोस्तों वर्डों को बोलने में थोड़ा अटपट जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन मिल जाएंगे तो रियल में आप 100% सही करेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किसमें 21 में हुई, अगर 21 का में पूछा जाए आपको 21 का में, तो इसमें शिक्षा संबंधी अधिकार है, ठीक है, शिक्षा निःशुल्क शिक्षा वगैरह, ठीक है, 21 का में क्वेश्चन बना है आपका पेट में। अब देखिए अगला क्या है 21 का, हाँ यार लिखा तो यहाँ पर क्या दिक्कत, मैंने कहा यहाँ बता दिया 21 का लिखा दोस्तों, इसमें क्या शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, तो निःशुल्क शिक्षा और शिक्षा का अधिकार हमारे किसमें 21 का में है। देखिए दोस्तों ये सारे कुछ कंप्लीट हो गए, अब आते हैं दोस्तों देखिए यहाँ से है 23 से 24 इसमें क्या दोस्तों, इसमें है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा किसमें 23 से 24 में, अगर स्पेशल पूछा जाए 23 में क्या है, देखिए दोस्तों 23 में यानी कि कोई भी आप क्या बोलते हैं कि बालकों या बालिकाओं को आप क्या मतलब व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है, खरीदारी जैसे और किसी का बाल बोलते ना कि बलात्श्रम नहीं कर सकते, किसमें 23 में है, ठीक है। 24 में क्या है दोस्तों, 24 कैसे याद किया था यानी कि 24 यार 24 घंटे बच्चे काम नहीं करेंगे कहीं भी फैक्ट्री या फिर कंपनी में जोखिम भरा काम नहीं करेंगे, यानी 24 से याद किया था 24 घंटे में एक भी घंटे बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ से ये याद किया था, यानी कि क्या हुआ जो कि 6 से 14 यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो फैक्ट्री वगैरह जोखिम भरा काम नहीं करेंगे, ये कौन बताता अनुच्छेद ये बताता है 24। अब देखिए आते हैं 25 से 28 इसमें क्या है, भली बात सबको पता है 25 से 28 है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाती सबको, और हमने ट्रिक भी बना रखी वो वीडियो अब देखिए दोस्तों रियल में आपको सारे अनुच्छेद यहां से कंफर्म होते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब देखिए 29 से 30 क्या है, 29 से 30 क्या है दोस्तों, इसमें 29 क्या अल्पसंख्यकों का प्रावधान दिया गया है किसमें, तो यानी कि अल्पसंख्यकों का हित के बारे में कौन बताता है हमें अनुच्छेद 29, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये है क्या संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 हमें बताता है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से आपको संस्कृत क्योंकि अल्पसंख्यक वगैरह संस्कृत ही बहुत ही मतलब वो बोलचाल उनके एरिया में होता है, तो दोस्तों 29 यानी कि अल्पसंख्यक, और दोस्तों याद हमने इस किया थी जो कि 29 डेट है ना ये बहुत ही क्या यूनिक है, और जो चीज़ यूनिक होती है ना वो दोस्तों अल्पसंख्यक बहुत ही कम संख्या में होती है, जैसे हमारा फरवरी 29 में आती है जो कि 4 साल बाद आती है, ठीक है, तो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मतलब लिमिट होती है यार भाई साहब, ये बहुत ही यूनिक होती है और बहुत ही अल्पसंख्यक होती है, बहुत ही छोटी संख्या में, इस तरह हमने याद किया था 29 को। और 30 में दोस्तों क्या है यानी कि दोस्तों क्या बोलते हैं कि
शिक्षा संस्थानों की स्थापना, ठीक है, और अल्पसंख्यकों के हित के बारे में अर्थात उनके शिक्षा के बारे में 30 हमें बताता है। और हमने ये 30 को याद किया था, यानी कि दोस्तों 30, और थरथराते थे हम कब, जब बचपन में स्कूल जाते तो बहुत ही थरथराते थे, अर्थात दोस्तों शिक्षा संस्थान किस में हुआ, ये हुआ 30 में, थरथराते थे। लेकिन आजकल तो टीचरों को लोग थरथरा देते, कहाँ कोई डरता है, लेकिन पहले बहुत डरता करते थे रियल में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 31 आता है, 31 में कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि 31 में मारा क्या, पहले था संपत्ति का अधिकार जो कि एक मौलिक अधिकार था, लेकिन ये हट गया है किसके तहत, ये दोस्तों 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में ये कहाँ पहुँच गया है, 300 का में पहुँच गया है, तो ये हट गया है, ठीक है, जो कि एक कानूनी अधिकार बन गया है, क्या, संपत्ति के अधिकार, ठीक है, जानते होंगे आप, पढ़ाए हम दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 32 आता है, इसमें क्या है दोस्तों, ये इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि दोस्तों कोई भी अगर हमारा ये कुछ हनन हमसे अधिकार छीनता है तो हम उच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की दरवाजा खटखटा सकते हैं, किसके तहत, ये 32 के तहत, ठीक है, जिसको संविधान की आत्मा कहा, किसके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये अनुच्छेद को 32 को संविधान की क्या कहा है, आत्मा कहा है दोस्तों, याद हुआ दोस्तों ये भी। अब देखिए आता है रोल कितने हमारे, जो कि मौलिक अधिकार 32 जो कि 14 से लेकर 35 तक थे वो खत्म होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दो रोल चालू होता है हमारे, किसका, नीर निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में है, ओके। तो ये कहां से कहां दोस्तों, ये है 36 से लेकर 51 तक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए कैसे याद करते हो, चुटकियों में उड़ाते हुए चलते हैं दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों, रियल में याद होता हो तो एक लाइक तो करिए दोस्तों, वो पिछली वीडियो देखिए और आपको अधिक समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये वास्तव में अनुच्छेद मैं भी नहीं याद कर पाता, लेकिन अभी तक मेरे पास जो कि हथियार है, ट्रिक है मेरी, वो दोस्तों सबको लिंक करते हुए चली जाती, कोई दिक्कत नहीं जाता दोस्तों, आपको इसी तरह याद होंगे सारे अनुच्छेद रियल में। देखिए 38 दोस्तों कैसे हमने याद किया था, 38 बोलिए, 38 बोलकर देखिए ना, अरी अरी का सेंस निकलता, अरी बोलते ना, अरी हमें जो न्यायालय है ना या फिर कानून है, हमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक अधिकार दे दिया है, न्याय दे दिया है, कौन बताता, 38 बताता है, क्योंकि राज के तहत आता है दोस्तों, राज्य ने हमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दे दिया है, अरी सुनती है, 38 अरी सुनती है, तो यहाँ से दोस्तों क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए 39 का में दोस्तों क्या है, 39 कैसे याद किया था, 39 का, ठीक है। तो दोस्तों इसमें निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, इसमें क्या है, निःशुल्क विधिक न्याय या भी सहायता दोस्तों, क्या 39 का में याद रखिएगा, हमने ट्रिक बना रखी है। अब देखिए दोस्तों अगला क्या, 40 हो भाई साहब, 40 हो, 40 बोलिए, 40 वगैरह कहाँ बोली जाती, आप बोलेंगे गांव में बोली जाती, तो गांव से मतलब ग्राम सभा हुआ था, क्या आपको अभी तक याद है दोस्तों, ग्राम सभा किस में है, 40 में है, ठीक है। अब देखिए आगे दोस्तों क्या है, इसमें ले लेता हूँ क्योंकि दोस्तों रेड लेते हैं, रेड ज्यादा ठीक रहेगा बीच में लिखने में, ओके। तो देखिए दोस्तों 41 क्या है, ओ एकता में क्या शक्ति है भाई, मान लो एकता में शक्ति है, ये बात मान लो, नहीं तो नहीं मानोगे तो मरोगे, मन रहेगा मरोगे, एकता में शक्ति होती है ना, ये बात मान लो, अगर नहीं मानते तो मरोगे, मरोगे मतलब मन रहेगा, ठीक है। किसी में हुआ, इसमें 41 में कोई भी, ठीक है, यहाँ मजदूरी वगैरह का प्रावधान भी 41 में है, ठीक है। तो दोस्तों मन रहेगा किस में हुआ हमारा, 41 में हुआ, बहुत ही भली बात आपको याद हो। अब आगे देखिए 43 है, अब इसको आप बोल कर देखिए, तेताली भाई तब दे ताली कब, अगर देखिए गांव से हैं, कुटीर उद्योग चालू करेंगे यार, उद्योग वगैरह, तो उसमें अगर हमें सफलता मिल गई तो बोलते दे ताली अर्थात, तो क्या हुआ दोस्तों, कुटीर उद्योग इसमें हुए, ये 43 में हुआ, ठीक है, ये बताता है। अब देखिए आगे क्या है, यानी प्रोत्साहन, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन राज्य सरकार के द्वारा आता है दोस्तों, क्योंकि नींद नहीं दे सकता तो राज्य के हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब याद रख क्या है आगे, हाँ 44 है, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही आसान तरीके से याद होगा अभी तक, क्या 44 बोलिए, 44 यानी कि दोस्तों चौराहा सेंस देता है, और चौराहा आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, कहाँ देते हैं, तो बोलेंगे भाई सब सिविल लाइन में, शहर में जाइए और सिविल लाइन जाओ तो वाओ माय गॉड, चौराहा चारों तरफ नजर आते हैं, चार चार चौराहा, यानी कि दोस्तों सिविल संहिता, समान सिविल संहिता किसमें हुई भाई साहब, ये 44 में हुई सिविल संहिता, ठीक है। सिविल में चौराहा ढेर सारे मिलते हैं रियल में, चारों तरफ रास्ते होती हैं, यानी 44, ओके, चार चार चौराहा मिलते हैं सिविल लाइन में, ओके। क्या दोस्तों अच्छे तरीके से आपको याद होता हुआ नहीं जाता। देखिए 46 है भाई साहब, 46 कैसे याद किया वो भाई, 46 और छीना लेगा कब कोई, जब कोई दुर्बल हो गया यार, अस्वस्थ अर्थात दुर्बल होगा, तो दुर्बल दोस्तों दुर्बल लड़कों की बात करता है, यानी कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के हितों के बारे में, और उनको दुर्बल जो कि वर्ग है उनके हितों के बारे में कौन हमें बताता है, 46 अर्थात दोस्तों छिना लेगा कोई भी, अगर दुर्बल कोई होगा दुर्बल वर्ग, ठीक है, इस किस में आता 46 में। और दोस्तों हमने कांग्रेस अधिवेशन जब भी याद किया था 46 में,
यानी संविधान संशोधन कब होता है, 1931 में, यानी कि छिनाले कब, जो कोई बलशाली होगा यानी कि सरदार वल्लभ भाई के जी के अध्यक्षता में कहाँ होता, कराची में 1931 में, जिसमें सबसे पहले मूल अधिकार की मांग की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये प्रारूप किसने तैयार किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार के प्रारूप तैयार किए। क्वेश्चन बना है दोस्तों और डेफिनेटली गलत होता है अगर पता नहीं होता दोस्तों। यहाँ से हमने 46 से दो चीज याद कर चुके, ओके। तो देखिए आगे क्या है दोस्तों, दुर्बल यानी कि दुर्बल वर्गों के हितों के बारे में 46 बताता है, जिसे अनुसूचित जनजाति और ऐसे आते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है, अब दोस्तों स्पेस नहीं तो मैं लिखता हुआ चला जाता दोस्तों, बहुत ही मजा आता, लेकिन यहाँ स्पेस ही नहीं, क्या करूँ। देखिए दोस्तों 47 हो भाई साहब, 47 सताया, वो शैतान का बच्चा ना, 47 सता लिया, किसको सताएगा, जो भी अस्वस्थ होगा, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति को कभी शैतान वैतान क्या आता है पास, नहीं आता भाई साहब, अर्थात दोस्तों। और स्वस्थ कैसे होगा, वो स्वस्थ ऐसे होगा यानी पोषाहार, अच्छा सा पोषाहार लेगा, ठीक है, नहीं पोषाहार एवं स्वस्थ जीवन सुधारने की जो हमें मिला है और राज्य सरकार द्वारा, वो किसके अनुच्छेद 47 हमें अनुच्छेद बताता है, नहीं शैतान, शैतान का बच्चा सताता है या फिर सताता है शैतान किसको, जो स्वस्थ नहीं रहेगा। तो स्वस्थ और स्वस्थ कैसे हुआ जाता है, पोषाहार, अच्छा पोषाहार लो ना, तभी सुधरेगा आपका जीवन, स्वस्थ, ओके। और राज्य का ये एक जो कि है कर्तव्य है, नहीं निर्देशक तत्व जो कि हम पढ़ ही रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्वस्थ लिखे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 48 आता, ओ भाई 48 अर्ता भरता, किसका लोग आजकल खाते बनाते हैं, अब बोलेंगे पशुओं का भाई साहब, रियल में होता है और आरा भी चलाते हैं, ठीक है, पशुओं पर, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। यानी कि पशुपालन और कृषि से संबंधित कौन बताता है, हमें 48 बताता है दोस्तों, और इसमें ही गौ वध का निषेध दिया गया है। और 48 का में हमें बताता है दोस्तों, क्या बताता है 48 का हमें बताता है कि पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण और वन जीवों की रक्षा करो, 48 का बनाता है दोस्तों। अर्था बर्तनी आरा चलाते लोग पर्यावरण, पेड़ पौधों पर आरा चलाते, आरा बोलते ना बड़ा सो होता आरी का आरा, ठीक है, उसका आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप याद रख सकते हैं आरा, 48 आरा, आरा चलाते हैं लोग पशुओं पर भी, कृषि पर तो ऐसे भी चलता है, तो पेड़ पौधों भी चलाते हैं, तो 48 हमें आरा से याद रहेगा, पेड़ पौधा, तो ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं जाएगी दोस्तों, वादा है कि दोस्तों इस तरह आप याद करते हैं दोस्तों। आप बोलेंगे अनुच्छेद याद नहीं होते, लेकिन मैं कहता हूँ ट्रिक से याद होते, रटने से बेटर ये होता है, क्योंकि दोस्तों ये कभी कंफ्यूजन करते ही नहीं दोस्तों रियल में। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करते हुए चले जाइए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 39 आता, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गजब तरीके से हमने 39 याद, ओ सॉरी 39 क्यों बोलता हूँ, 49 है भाई साहब, 49 कैसे याद किया था भाई साहब, 49 बोलकर देखिए, 49 ऊंचा ऊंचा, और ऊंचा ऊंचा क्या होता है, आप बोलेंगे इमारतें होती है भाई, इमारतें और स्थल, ठीक है, और जगह, जो कि स्थल और जगह यानी कि स्थानों का संरक्षण कौन बताता है, जो कि राष्ट्रीय इमारतें स्थल और जगह का संरक्षण करना है किसके तहत, हमें ये 49 बताता, और 49 से हमने ऊंचा ऊंचा क्या होती है, बिल्डिंगें होती, इमारतें होती, जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल वगैरह वगैरह, इस तरह दोस्तों हमने याद किया था इमारतों का संरक्षण किसमें है दोस्तों, ये 49 बताता, क्योंकि 49 को ऊंचा जैसे हमने याद किया था, ऊंचा ऊंचा इमारतें, ठीक है। अब देखिए अगला है 50, आप 50 को 50 बोलिए, 50-50 बोलते ना, 50-50 बांट लो, कब बांटोगे, जब तुम दोनों काम करोगे, कार्य करोगे आपस में, उसका जो भी प्रॉफिट होगा, न्याय तो यही कहता है कि आपस में बांट लो, ठीक है, 50-50 बांट लो दोस्तों, अर्थात दोस्तों किसमें हुआ, शक्तियों का बंटवारा, 50 बताता, और किसके किसके अंतर्गत, न्यायपालिका और कार्यपालिका के अंतर्गत, ठीक है, ये है शक्तियों का बंटवारा भाई साहब, 50-50 बांट लो, ओके, याद हुआ दोस्तों ये भी, तो शक्तियों का बंटवारा दोस्तों किसमें हुआ, इसमें हुआ। अब देखिए दोस्तों 51 है, 51 बोलकर देखिए, अभी इसका आंसर निकल कर आएगा, 51 क्यों निकलता है, क्यों का मतलब क्या है, शांति हो गई नहीं, अगर कोई क्यों करेगा तो क्या शांति होगी, नहीं मिलेगी, अर्थात जो कि अंतरराज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राज्यीय शांति, कौन बताता है, 51 बताता है दोस्तों, 51 का में है, तो याद, ये तो दोस्तों याद हो गया, ठीक है, शांति, ठीक है, शांति स्थापित करो यानी अंतरराज्य जी शांति स्थापित, कौन बताता है, हमें 51 बताता है, ठीक है। अब देखिए 51 का आता है दोस्तों, 51 का में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, 51 का है, इसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, यानी कि मौलिक कर्तव्य मार्ग, जो कि कितने 11 हैं दोस्तों, और ये कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं, ठीक है, ये किसके तहत जोड़े गए हैं, देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत, ये 1942 संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, ठीक है, 51 का में है। और दोस्तों ये
रूस से लिए गए हैं। ओके तो दोस्तों ये कितने हमारे पास 11 है, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए दोस्तों क्या है, 52 बताता हूँ भाई साहब, 52 गज नहीं, 52 से यार 52 इमली हम याद किया था, 52 इमली जो कि इकलौती एक है कि नहीं, 52 और 52 एक है, तो इसी तरह हमारे भारत का भी राष्ट्रपति एक है, प्रथम नागरिक होता है, जैसे प्रथम इमली है, खजुआ पाई जाती है दोस्तों हमारे पास ही थोड़ा है, तो खजुआ नरेजा ठीक है बिंदगी, तो दोस्तों यहाँ पर है। और दोस्तों ये बोलते ना कि 52 इनकी 52 का मतलब इमली, और इमली इकलौती है, उसी तरह राष्ट्रपति भी इकलौता है, राष्ट्रपति का जो कि है ये किसमें है दोस्तों, ये है दोस्तों हमें बताता है 52। और दोस्तों देखिए 53 है दोस्तों उसके जो कि वेतन भत्ते हैं, वो 53 बताता है, वो याद किया था हमने, यहाँ पर छोड़ दिए ठीक है। और देखिए दोस्तों अगला क्या है, 54, ओ माय गॉड 54 इनकी दोस्तों चुनाव का सेंस दे रहा, 54 चुनाव का सेंस निकलता रहा, चुनाव किसका होगा, राष्ट्रपति का, हम याद रखेंगे। अब देखिए क्योंकि दोस्तों यहाँ तक राष्ट्रपति का पूरा 52 से चलता है, राष्ट्रपति का पूरा कुछ ठीक है, कार्यकाल क्या है, शक्ति है कैसे, सब कुछ बताता है। अब देखिए 58 क्या बताएगा, ओ भाई 58 को हमने याद किया था कैसे, अभी तक याद होगा, 58 मतलब उठाओ, मतलब उठना, उठना भाई साहब, जो अपने आप में योग होगा ना वो अपने आप उठ जाएगा, 58 उठ जाएगा, उसको किसी की सहायता नहीं पड़ेगी, यानी कि दोस्तों क्या हुआ, तो योग्यताएं जो कि राष्ट्रपति की योग्यताएं कौन बताता है दोस्तों, हमें बताता है 58। ओ माय गॉड अब 60 आता है, 60 यानी 60 शपथ ऑप्शन मिलेगा तो वो भली बात कर देंगे, राष्ट्रपति का जो कि शपथ है किसमें है दोस्तों, ये 60 बताता है। तो दोस्तों देखिए कितनी महत्वपूर्ण तरीके से आपको याद होते हुए चले जाएंगे दोस्तों, रियल में क्या मैं इनको याद कर पा सकता हूँ क्या, कि रट कर याद कर जाऊंगा और कैमरे के सामने बोलते हुए चला जाऊं, मेरी इतनी वो नहीं है कि दोस्तों कैपेसिटी की मैं याद करके यहाँ पर आपको बोलता हुआ बिना अटके बिना झटके करता चला जाऊं, ऐसे मेरी वास्तव में नहीं क्षमता, लेकिन दोस्तों ये केवल मुमकिन हो रहा है तो केवल होता है ट्रिक से ठीक है। कोई भी अंक बोलता हूं तो जस्ट उसका याद आता, अगर आपको ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि डायरेक्ट है दोस्तों डायरेक्ट, फिर भी देखिए दोस्तों कितनी कमाल की ट्रिक है, डायरेक्ट याद हो बिना ऑप्शन के सब कुछ याद होता हुआ चला जाता है ना दोस्तों, बिल्कुल से यूनिक बात। ओके तो देखिए दोस्तों अगला है 61। अब 61 में क्या है दोस्तों, सबको जानता है 61 को बोलेंगे यानी कि दोस्तों इम्पीचमेंट, इम्पीच यानी कि स्पीच अगर देना पड़ता तो सबके यानी कि 61 एक समान दो, यानी किसी के लिए स्पेशल नहीं होती, सबके लिए समान होती है, यानी 61 समान होती क्या, स्पीच मतलब इम्पीचमेंट। ओके यानी कि दोस्तों महाभियोग ठीक है, तो महाभियोग किसमें हुआ दोस्तों, 61 में हुआ, सबको याद होता है। अगला 63, ओ माय गॉड इसमें क्या बताऊं कि दोस्तों 63 यानी कि दोस्तों 63 मतलब बोलिए तो बोलते ना तीरे तीरे, क्या हमने गाना याद है यहाँ से याद किया, तीरे तीरे बोल कोई सुन ना ले, मतलब वॉइस को स्लो करो नहीं सुन लेगा कोई, 63 तीरे तीरे बोलो कोई सुन लेगा, यानी कि वॉइस को स्लो करो, वॉइस से हमने याद किया था वाइस प्रेसिडेंट, क्या उपराष्ट्रपति आपको याद हुआ दोस्तों, याद हुआ बहुत ही भली वहां से, वाइस प्रेसिडेंट यानी वॉइस को स्लो करो भाई, धीरे धीरे बोलो कोई सुन ना ले। अब देखिए 64 है भाई साहब, 64 ये तो आपको भूलेगा नहीं कभी, यानी 64 कर देता अगर सभ्य क्या पति नहीं होता, अर्थात पत्नी भी मान लीजिए पत्नी भी सभ्य नहीं होती ना तो 64 कर देती, अर्थात या फिर ऐसे समझेगी सब अगर पति नहीं होता तो 64 कर देता है रियल में, तो सभापति सभ्यपति सभापति, और सभापति किसमें होते हैं, ये होते हैं दोस्तों राज्यसभा में ठीक है, ये राज्यसभा, और दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष वो अलग है दोस्तों ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन राज्यसभा में क्या होते हैं सभापति होते हैं, जो कि सभापति कौन होते हैं भाई साहब, उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो सभापति किसमें हुआ 64 में, 64 कर देगा अगर सभ्यपति नहीं है तो 64 से 64 याद आ जाएगा, सिंपल है। अब देखिए अगला है दोस्तों 72, ओ 72 सिंह हमने याद किया था ना, कौन से खिलाड़ी नंबर 7 चाहते हैं, अच्छी कुमार की मूवी है ना, 72 सिंह ने क्या किया था, वो क्या उसका नाम था आजाद जो जेल में बंद था, तो दोस्तों उसको क्षमा कर दिया था और दीवार में मारा था, यानी कि दोस्तों क्या हुआ था दीवार गिर गई, अर्थात उसको क्षमा कर दिया था, क्षमादान किसमें हुआ 72 सिंह में हुआ ठीक है, क्या कभी भूलेंगे नहीं भूलेंगे भाई साहब। अगला भाई साहब 76, ए जी 76 उसके लग गई बगल वाले पड़ोसन ने, वो ऐसे ऐसा किया उसको 76 लग गई, ए जी सुनते हो उसके 76 लग, ऐसे औरतें कैसे बोलती है, ए जी सुनते हो उसके 76 लग गए, अर्थात 376 जो कि धारा है वो तो 76 केवल ऐसे बोल देते, 76 लग गई, 76 का मतलब दोस्तों क्या बोलते हैं, ए जी 76 लग गई, यानी कि दोस्तों ए जी का मतलब क्या हुआ, अटॉर्नी जनरल किसमें हुआ दोस्तों, अनुच्छेद 76 में, भारत का महालेखक अच्छा किसमें हुआ 76 में, क्या सिंपल तरीके से, नहीं याद रहे याद रहेगा हमेशा के लिए, देखिए 79 है 79 80 81 भाई साहब बहुत ही सरल है, क्या सरल है इनको याद रखना, 79 80 81 संसद राज्यसभा लोकसभा सिंपल है
बहुत ही सरल है। अब देखिए 105 आता है, ओ अब इसको कैसे याद करें, 105 यानी कि दोस्तों एक एक पाँव यहाँ एक पाँव वहाँ, यानी नेताओं में ऐसा होता है दोस्तों, पर्टिकुलर किसी को कह नहीं रहते दोस्तों, केवल एक ट्रिक है यानी कि एक पाँव नहीं, मतलब इसमें विशेष क्या है, बोलते एक संसद में पाँव है एक क्या है कोर्ट कचहरी टहलता रहता है, समझिए कि दोस्तों इसमें क्या विशेष है, तो बोलते संसद में एक पाँव यही तो एक विशेष है, यानी कि एक पाँव संसद में यही तो एक विशेष है, संसदीय विशेषाधिकार किसमें हुआ, 105 में दोस्तों, यहां से आपको संसदीय विशेषाधिकार किसमें, 105 में, नहीं एक पाँव यहाँ संसद में एक पाँव और कहूं अंते, तो इसमें ये विशेष है ठीक है, तो यहां से आपको याद हुआ। अब देखिए 108 है, बोलिए एक आठ एक आठ एक आठ, इकट्ठा, इकट्ठक मतलब संयुक्त रूप से, और संयुक्त रूप से मतलब संयुक्त अधिवेशन ठीक है, तो याद हुआ दोस्तों संयुक्त अधिवेशन किसमें है, तो आप बोलेंगे 108 में है, क्योंकि एक आठ बोलेंगे इकट्ठक सेंस देता है, इकट्ठक मतलब संयुक्त रूप से ठीक है, यानी संयुक्त अधिवेशन, अगर इस तरह भी याद ना हो तो देखिए दोस्तों ज्वाइंट सेशन आता नहीं कि दोस्तों एक आठ एक आठ बोलते, ए भाई काटना इकट इकटना इकटना, काटेगा कब, जब ज्वाइंट कोई चीज होती है ना तभी तो उसको काटेगा, इकट 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 एक एट आता है इसमें ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला क्या है, 110 है, ओह ये तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सरल है, सबसे बेस्ट ट्रिक बनी थी क्या, एक देखिए दोस्तों पिताजी का धन बोलते हैं ना, पिताजी का एक एक धन कमाया, अगर नालायक बच्चा होता है तो उसको जीरो बना देता, अंडा बना देता है, एक एक धन कमाया गया उसको जीरो बनाने में देरी नहीं लगाता, यानी कि धन को ठीक है, धन विधेय या किसमें हुआ दोस्तों, ये हुआ 110 में, पिताजी का एक एक धन कमाया हुआ चौपट कर देता, जीरो बना देता है, एक एक धन, ओके याद हुआ ना दोस्तों, सिंपल है। अब देखिए 112 याद किया था, ओ माय गॉड ये तो याद होगा सबको, 112 यानी कि दोस्तों एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं, बोलेंगे 12 मंथ होते हैं, यहाँ आंसर आपको छुपा हुआ है दोस्तों, पहचाने की देरी होती है, पहचान गए तो रियल में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता। देखिए 112 बोलते ना, एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं, अर्थात दोस्तों मतलब वर्ष का वार्षिक वित्तीय आता ना दोस्तों, वार्षिक वित्तीय किसमें हुआ, 112 में वार्षिक, क्या गलत लिखता है यार, वार्षिक ठीक है, वार्षिक वित्तीय किसमें हुआ दोस्तों, 112 में एक वर्ष में 12 मंथ ठीक है, अर्थात वर्ष एक वर्ष में वार्षिक वित्तीय किसमें हुआ, ये हुआ दोस्तों 112 में। दोस्तों देखिए 123 में क्या है, ओ कैसे है कि 1 2 3, जैसे कोई कंपटीशन जो में रेसिंग करना होता तो हमारे जो कोच होते हैं ना बोलते 1 2 3 राउंड, यानी कि दोस्तों आदेश देते हैं, आदेश यानी कि रन, आदेश, आदेश कौन देगा, यानी कि दोस्तों अध्यादेश, आदेश से मतलब अध्यादेश, ओ क्या याद हुआ दोस्तों, याद हुआ 1 2 3, हमारे कोच बोलते 1 2 3 रन अवे, तो दोस्तों यहां से आपको याद रहेगा ठीक है, क्या सच में याद रहेगा दोस्तों, आदेश देते हैं कौन, हमारे कोच बोलते हैं 1 2 3, ओके याद हुआ दोस्तों, अध्यादेश आदेश देते हैं दोस्तों, रियल में आप इनको कभी नहीं भूलेंगे, बस आपको एक बार क्लास को अगर नहीं देखे तो देखते चले दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप हजारों बार क्लास ली होंगी किसी न किसी की, क्या अभी तक याद कर पाए हैं, मुझे लगता नहीं, कन्फ्यूजन होता है, मैं अभी खुद ही नहीं याद कर पाऊँ यार, किसी किसी की बहुत सारी क्लास देखी, लेकिन दोस्तों इसका मैं एक निकाला हूँ क्या ट्रिक और तरीका याद करने के, जो कि कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकता, अगर आप भी इस तरह सीख सकते हैं अगर क्लास देखेंगे। देखिए अगला क्या है दोस्तों, 124, देखिए दोस्तों इकलौता हमारे भारत में अगर जो कि मानवीय मतलब मानवीकृत है, जो कि अर्थात मानव ने बनाया है, भगवान की बात नहीं करते, मानव ने बनाया ऐसा क्या है जो कि 2400 घंटे नागरिकों पर, भारत के नागरिकों पर हम पर ध्यान रखता है, नजर रखता है, इसे बता सकते हैं इकलौता एक क्या है, तो आप बोलेंगे भाई साहब भारत में इकलौता जो कि नागरिक के ऊपर ध्यान रखता है 2400 घंटे, वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है ठीक है, यहाँ से आपको याद रहेगा 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ओके याद हुआ। अब देखिए 48 आता है, 148 148 को ध्यान देखेंगे तो इसमें 14 8 होता है, और 14 बहुत ही स्पेशल है, यानी कि दोस्तों इसमें क्या होता है, 14 वर्ष का वनवास हुआ किसको, राम जी को और सीता जी को, राम जी से कोई ट्रिक बनती नहीं तो सीता से बना लेंगे, सीता सीता सिया जी, ओ सिया जी बोलते हैं ना उसको, तो सिया जी से आपको यहां से सी ए सी या हाँ सी ए जी होता है, सी ए जी, सी ए जी आपको याद हो, सी आ जी सी ए जी, ओके क्या दोस्तों सिंपल ट्रिक से याद नहीं रहेगा, 148 अर्थात दोस्तों 14 वर्ष का वनवास हुआ था, जिसमें दोस्तों मान लीजिएगा ऐसा हुआ नहीं रहा लेकिन 8 वर्ष यहाँ चित्रकूट में काटे थे, इस तरह दोस्तों आप याद रख सकते हैं 14 वर्ष का वनवाद हुआ सियाजी को, सियाजी से सीएजी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल आया 148 में महालेखक परीक्षक, ओके तो दोस्तों ये भी याद हुआ। देखिए दोस्तों अब आगे क्या है, 153, कहीं मैंने यहाँ बोल दिया था क्या, महालेखक परीक्षक नहीं बोला था ठीक है, यानी 61 में महाभियोग बोला था तो ठीक था ठीक है। अब देखिए दोस्तों 153 में
153। ओ माय गॉड, 153, 153। ए तेरा भाई क्या गवर्नर है, ए भाई, ए 53, ए तेरा भाई क्या गवर्नर है जो मैं तेरे से डरूं, ऐसे बोल देते। ए तेरा भाई गवर्नर है क्या, गवर्नर तो एक ही होता है, बोलते एक तेरा भाई गवर्नर है क्या जो मैं तेरे से डरूं। तो दोस्तों यहां से आपको याद आ जाएगा, यहां से चालू होता है दोस्तों 151 52 152, हाँ तो 152 से चालू होता दोस्तों भाग 6। ओके, इस तरह दोस्तों हम याद किए थे अभी तक भाग 5, ठीक है। अब भाग 6 चालू होता है। अब देखिए दोस्तों यहां से हमने याद किया था तेरा भाई क्या गवर्नर, दोस्तों राज्यों के लिए एक गवर्नर का प्रावधान जो कि है 153 में है दोस्तों, ठीक है। राज्यों के लिए एक राज्यपाल कौन बताता है, 153 बोलते हैं तेरा भाई क्या गवर्नर है जो मैं डर रहा हूँ, यानी 153, ए तेरा भाई। ओके, अब देखिए 55 को याद किया था, 53 में दोस्तों इनकी जो कि आप समझ सकते हैं कि सब कुछ है, ठीक है, वेतन भत्ते वगैरह 154। अब 55 देखिए क्या है, तो 155 दोस्तों क्या बोलते हैं इसमें, वो 155 यानी कि दोस्तों होगा जाहिर बात गवर्नर ही, लेकिन याद करें अगर फुटकर आ गया तो देखिए बोलते हैं ना 55, पड़ोसन की रोटी कब नहीं पचती, बोलते ना नहीं पचेगी, कब नहीं पचेगी, जब कोई गवर्नमेंट जॉब में, जैसे हम हो गए गवर्नमेंट जॉब में, तो पड़ोसन की रियल में पचती नहीं है रोटी, पचेगी नहीं भाई साहब, ये गारंटी है कि नहीं पचती अगर कोई गवर्नमेंट में हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट से गवर्नर आपको यहाँ से आ जाएगा, गवर्नमेंट जो कि गवर्नर की नियुक्ति 155 में, ठीक है। वास्तव में दोस्तों गवर्नर तो एक है, लेकिन पचती रोटी कब नहीं पड़ोसन की, जब कोई गवर्नमेंट जॉब में होता है दोस्तों, तो आप वास्तव में जला सकते हैं पड़ोसन को गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जॉब लेकर, ठीक है, गवर्नमेंट। ओके, यहाँ से आपको याद रहेगा 155 पचेगी नहीं रोटी। ओके, सिंपल याद रहेगा। अब देखिए दोस्तों 214 आता है, याद रखें कैसे, देखिए 214 में क्या हो सकता है, अगर आप मैं यहाँ पर एच सी लिख दूं तो रियल में आप यानी कि बोलते ना हाई वोल्टेज, हमारे यहाँ पर आता है ना कि हाई करंट, हाई वोल्टेज, हाई करंट का हाई कोर्ट का मतलब हाई करंट, सब हाई करंट हमारे पास कहाँ आता है, तो बोलेंगे 240 वोल्टेज आता है, हाई करंट जो कि होता है 240, यानी कि 240 से आपको 214 भली भांति याद आ जाएगा दोस्तों, 240 214, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों सिंपल तरीके से याद हो, यानी हाई एच सी हाई कोर्ट आप बोलेंगे, राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान 214 बताता है। ओके, यहाँ से याद आ जाए हाई कोर्ट। ओके, हाई कोर्ट यानी कि एच सी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, 240 वोल्टेज हमारे घर पे आता है, अर्थात 214 हाई करंट। ओके, इस तरह ही याद रहेगा। अब देखिए दोस्तों क्या है 231, अब इसको याद रखेंगे, बोलिए 231 दो एक, दो का सेंस, दो एक का सेंस नहीं कर रहा, दो एक का मतलब है दोस्तों दो राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किसमें है, 231 बताता है। दो एक बोल कर देखिए यहाँ याद रहेगा मेरे के लिए रियल में दोस्तों, तो दो एक से नहीं, दो 231 दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। ओके, यहाँ से याद हुआ 231 में क्या दोस्तों, आप समझ सकते हैं दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट। ओके, अब देखिए दोस्तों 243, ओ माय गॉड, इसको याद रखें कैसे, बोल कर देखिए दो तिता, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ रहता है, तो ये तो दोस्तों याद रहेगा आपको, क्योंकि इसमें हमने बताया थे आपको, और वहाँ ट्रिक लंबी थोड़ी बनी थी, इसमें क्या है पंचायतें, ठीक है, पंचायतें हैं और इसमें नगर पालिका है 243 में, आबासादा ऐसे हैं दोस्तों, और यहाँ से आप याद रख सकते हैं 243 पंचायतें। ओके, सिंपल है, वो ट्रिक लंबी थी तो इसमें हम नहीं बता पाएंगे। देखिए 244 आता है, याद रखें कैसे, यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ 200 आता है, 244 देखिए दोस्तों, तो वो क्या है इसका, यार मैं भूल रहा हूँ क्या, मगर दोस्तों याद आ जाएगा 244 यानी 44 244 24 आता है, हाँ 24 से आप पकड़िए, अगर 24 देखिए दोस्तों वहाँ पर जैसे कि हमने भाग 10 में याद किया था, दास बनाते थे किसको, अनुसूचित जनजातियों वालों का, यानी कि उनका क्षेत्र किसमें हुआ, भाग 10 में, उसी तरह दोस्तों अगर दास कोई बनाएगा रियल में, दास कोई बनाएगा तो क्या 4 घंटे काम करवाएगा, 4 घंटे काम करवाएगा, नहीं भाई साहब 2400 घंटे काम करवाएगा। इस तरह दोस्तों हमने याद किया कि अनुसूचित जनजातियों का जो कि इनका प्रशासन है किसमें है दोस्तों, 244 में है, ठीक है, याद हो ना दोस्तों। तो अगर अनुसूचित जनजाति पहले 10 बना देते, यानी कि 10 से 10 भाग में है अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, उसी तरह दोस्तों अगर बनाएंगे लोग बनाते थे पहले, तो 4 घंटे नहीं काम करवाते थे, 2-4 घंटे नहीं 2400 घंटे काम करवाते थे 10 लोगों से। तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति किसमें हुई, 244 में इनका जो कि प्रशासन दिया गया है। अब देखिए 284, ओ माय गॉड, ये तो आप कभी बोलेंगे नहीं 284, ठीक है, क्या बोलते हैं दो, हम दिन में जाते हैं 2 बार क्या अपशिष्ट पदार्थ निकालने, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये एक अलग से ट्रिक बन जाएगी, दो में
मतलब 12 घंटे में 2 बार जाते हैं, और बोलूं आप 24 घंटे में कितने बार बोलेंगे, 4 बार जाएंगे, 48 घंटे में 8 बार। तो यहाँ से दोस्तों याद हुआ चला जाता है दोस्तों 2, 4, 8, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ हम तो निकालते हैं रियल में, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें हुई दोस्तों, ये दोस्तों हुई 248 में। क्या सिंपल तरीके से याद नहीं हुआ दोस्तों, याद हुआ 2, 4, 8, यानी कि दोस्तों हम बोलते ना 2 बार तो निश्चय ही व्यक्ति जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा ही ठूंस लिया पेट खराब हुआ तो 4 बार चला जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ तो 8 बार जाएगा, नहीं 2, 4, 8। क्या अपशिष्ट पदार्थ निकालेगा ना विष्ट वगैरह दोस्तों। यहाँ से एक ट्रिक हमारी बन सकती है, आप डेली जाते होंगे दोस्तों, ये बात याद आनी चाहिए, तो आनी चाहिए, कोई भी आप काम करिए सब में आपका ट्रिक फंसता होगा, कोई भी काम करिए रियल में दोस्तों सब कुछ आपको ध्यान में आता होगा रियल में। अनुच्छेद तो याद हो गए यूं ही, ठीक है, बिना कुछ याद किए। देखिए 256 है, आप 56 पकड़िए, नहीं 56 छुरी का संधि का, वो 56 छुरी चलाती है, लेकिन क्या करें अब तो बाध्यता है, कानून का है, सब कुछ है, बाध्य लोग 56 छुरी चला दें, बोलते ना 56 छुरी चला दें दोस्तों, यार था दोस्तों बाध्यता है, और बाध्यता हमारे किसके बीच की होती है दोस्तों, ये होती है संघ की और राज्य की बाध्यता, कौन बताता है 256 में, ठीक है, क्योंकि दो के बीच हमेशा बाध्यता होती है, 2 से अब 2 और 56 छुरी, यानी कि दोस्तों बाध्यता है, नहीं तो लोग 56 छुरी खुलेआम सरेआम चलाएं, इस तरह याद किया था ना, याद हुआ ये भी। अब देखे 262 है, ये तो बहुत ही सरल है, इसमें क्या 262 ये तो सबको पता है, 262 का मतलब दोस्तों है अगर विवाद वगैरह होता है ना आपस में, तो उसको 262 मतलब जल संबंधी विवाद कौन बताता है, हमें 262 बताता है, ठीक है, जल संबंधी नदी नाले जो भी हैं तो उनका जो कि विवाद होता है जल संबंधी, यहाँ पर स्पेस ही नहीं क्या लिखूं मैं, तो 262 मतलब 2 बांट का सेंस देता है, 2 विवाद वगैरह होता है रियल में, उसको बांट दो ना भाई सब, 2 बांट दो ना, ठीक है, जल वगैरह। यहाँ से आपको ये जल संबंधी जो कि नदी वदी का बंटवारा, जैसे कि हमारे कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में चलता है विवाद, ठीक है, तो यहाँ से हमने याद किया था। अब देखिए अगला 266, ओ माय गॉड 266, यानी कि दोस्त 266, अगर देखिए दोस्तों ऑप्शन मिलेगा तो आप कर देंगे, ठीक है, रियल में थोड़ा सा यहाँ पे कम शायद याद आता है, लेकिन फिर भी याद होगा दोस्तों, क्योंकि मुझे याद है दोस्तों, मैं भी आपकी तरह हूँ दोस्तों, कुछ एडवांस थोड़ी हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों मतलब दोष आता है, दोष से आपको याद रहेगा, दोष मतलब दो सा, यानी कि संचित निधि, ठीक है, किसे में हुई 266 में, इस तरह यानी संचित निधि, ओके, संचित निधि किसमें 266, अगर वास्तव में संचित निधि खाली हो गई तो दोष किसका लोग लगाएंगे, सरकार लगाएंगे, यानी दोष से 266 याद आ जाएगा, संचित निधि खाली होती तो लोग सरकार को दोष लगाएंगे जी, संचित निधि किसमें हो 266। अब देखिए 267, ओ ये तो और भी सिंपल है, 267 निकलता है, 267 लोग कब नियुक्त करेंगे, जब पहला वाला टपक जाएगा, अर्थात आकस्मिक निधन निधि, ओके, आकस्मिक निधि, ओके, आकस्मिक निधि किसमें हुई 267, अगर दोस्तों आकस्मिक मृत्यु होती है, आकस्मिक निधन हो गया किसी का, किसी पद में कोई है तो क्या करते 267 को नियुक्त कर देंगे भाई साहब, नियुक्त कर देंगे, ओके। तो देखिए दोस्तों अभी मैं कभी नहीं अटका, कहीं भी थोड़ा सा अटका हूँ लेकिन याद आ गया, लेकिन अभी भी कभी नहीं अटका दोस्तों, अब देखते हैं वीडियो कभी स्किप नहीं हुई, नहीं कट हुई है। अब देखिए 280 आता है वो भाई साहब, ये तो सबको याद होगा, 280 क्या है, 280 में बोलिए 280 बोलकर देखिए ना, 280 अभी आंसर निकल कर आ गया, 280 वो टोयोटो का सेंस देखा, टोयोटो कौन लेगा, जो वित्त से संपन्न होगा, ठीक है, यानी वित्त आयोग किसमें हुआ भाई साहब, ये हुआ 238 में, वित्त आयोग, ओके, किसमें हुआ 280 में, टोयोटो बोलते हैं 280 टोयोटो कोई कब लेगा, जब वित्त भरपूर होगा उसके पास, यानी कि टोयोटो, अगर हमारी तो भाई आपको ये सब क्षमता नहीं है ये लेने के लिए, टोयोटो वही लेगा जो वित्त वगैरह से संपन्न होगा, यानी वित्त आयोग किस में हुआ 280 में हुआ, ठीक है, याद हुआ ना, ऐसे भी याद किया 280 ने, टूटा फूटा कोई कम नहीं चलाएगा, जो वित्त वगैरह जिसके पास वित्तीय समस्या नहीं होगी, क्या टूटा फूटा कोई कुछ चलाएगा गाड़ी वगैरह, नहीं तो तुरंत टोयोटो लेकर आएगा, 280 टोयोटो ले आएगा, ठीक है। अब देखिए अगला 292, क्या किया था 292, दोबारा मत आइयो, नहीं तो भूतरा रंग दूंगा, ऐसे बोल देता, दोबारा मत आइयो, क्या उधार लेने दोबारा मत आइयो, 292 दोबारा मत आइयो, नहीं भूतरा रंग दूंगा, अर्थात उधार हम कहाँ से लेते, भारत सरकार से उधार लेना, और जस्ट आगे इसका जो 293 है वो राज्य सरकार से उधार लेना, ठीक है, कौन बताता 292 दोस्तों, उधार आप बोलेंगे ना, उधार बोलते ना हम में कहीं किसी से उधार लेते जाते हैं, दोबारा मत आइयो, 292 दोबारा मत आइयो, पहला वाला चुप करो नहीं तो भूतरा रंग दूंगा, तो यहाँ दोस्तों उधार मत आइयो दोबारा 292, ओके 292 सिंपल याद रहेगा रियल में दोस्तों, बहुत ही फनी ट्रिक है, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। 300 का में है, सबको पता है संपत्ति का अधिकार है जो कि कानूनी अधिकार है, ठीक है, यहाँ से आ गए 31 से लेकर यहाँ उठकर यहाँ आ गए, ओके।
अब देखिए 312 दोस्तों, लाइट ना जाए और मजा आ जाएगा, नहीं तो दोस्तों फिर आप बोलेंगे कट गई वीडियो। तो देखिए दोस्तों 312 है, 312 याद किया था, तीन बार रियल में, तीन बार किसी से मांगे तो बोलेंगे यार उसको खर जाएगा रियल में, बोलते ना एक बार ले लो, दो बार ले लो, भाई तीन बार तिबारा मतलब उसको अखर जाएगा। कोई भी उसकी अच्छी चीज मांगोगे ना तो यार तीन बार मांगे तो एक बार दो बार तो देगा, तिबारा क्या करेगा भाई, अखर जाएगा। अखिल से अखिल भाई साहब, अखिल क्या बोलते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं किसमें है, 312 में है, तीन बार मत लो नहीं तो अखिल अखर जाएगा। ओके याद हुआ दोस्तों। अब देखिए 313 तो सबसे फनी ट्रिक यही मान लीजिए है, 313 का होना मतलब बिखर जाना, नष्ट हो जाना 313। अगर कोरोना वगैरह वास्तव में क्या नष्ट नहीं कर दिया, सबको नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, बिखेर दिया दोस्तों, संक्रामक जो कि एक रोग है, संक्रामक यानी संक्रमणी वो तो बंद उपबंध कहते नहीं बनते यार, संक्रमणकालीन उपबंध। ओके तो यहाँ से दोस्तों जो कि संक्रमणकालीन उपबंध किसमें हुआ दोस्तों, ये हुआ दोस्तों 313 में था, 313 मतलब बिखर जाना, नष्ट कर देना, उसी तरह संक्रामक संक्रमण ही संक्रामक रोग भी सबको बिखेर देता, नष्ट कर देता है, याद हुआ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगा 315, ये तो सबको याद होगा 315, लेकिन फिर भी ट्रिक से समझिए यानी कि कैसे बताया था 315, यानी कि दोस्तों बोलते ना कि तिक्रम लगाओ, कहाँ पर तिक्रम नहीं चलेगा, ऐसे समझिए तिक्रम नहीं चलेगा, तीन तो याद हुआ। अब देखिए दोस्तों यानी कि दोस्तों इसमें अब अगर आप मैं लिख दूँ यहाँ पर UPSC, इसमें क्या है OBC के लिए 9 बार अटेम्प्ट मिलता और जनरल के लिए 6 बार, अगर 9-6 को ऐड करेंगे तो 15 निकल कर आएगा। तो दोस्तों 15 से आपको याद आ जाएगा और UPSC में कोई तिक्रमबाजी नहीं चलती, ठीक है, यानी कि 315 क्या है, लोक सेवा आयोग। ओके यहाँ से याद किया था। अब देखिए 324 भाई साहब, वहाँ तो तिक्रम नहीं चला था लेकिन यहाँ तिक्रम चला लेंगे, क्या है तो देखिए दोस्तों तिक्रम चला लेंगे और कहाँ चलाएंगे, 24 घंटे लोग मेहनत करते इलेक्शन में, ओके, लेकिन फिर भी तिक्रम लगाकर जीतने की कोशिश करते नहीं दोस्तों। चुनाव आयोग किसमें हुआ दोस्तों, ये हुआ दोस्तों 324 में, ठीक है, 24 घंटे मेहनत करते इलेक्शन में, रियल में इलेक्शन में चुनाव में मेहनत करते लेकिन फिर भी तिकड़म लगाते हैं किसी तरह से जीता जाए, यानी 324 हमें क्या चुनाव आयोग बताता। ओके याद हुआ ये भी। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है दोस्तों, 338 है, ओके देखिए 325 में सब नियुक्ति वगैरह हैं जो कि इनकी हैं, वेतन भत्ते सब बताता है, जस्ट 325। ओके देखिए 338 में क्या है, 338 बोलकर देखिए शायद याद जाएगा लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप 340 बोलिए ना जस्ट इसके ऊपर वाले याद आ जाएगा, 340 यानी कि तीन चाल, अब बोलते ना गांव में 340 वहां याद किया था ग्राम सभा, ठीक है, तो इसको बोलते 40 पसीने याद आ रहा, तो बोलते ना 340 यानी कि दोस्तों 40 भाई, तब चाहे तू 3-4 बार चाहे जितनी बार चल जाए तू हमेशा पिछड़ा रहेगा, रियल में अपने आप को बहुत ही टैलेंट कोई समझता ना तो उसको बोलते तू 40 चाहे जितना चल तू हमेशा पीछे रहेगा, पीछा मतलब 3 बार चल चाहे 4 बार 40 चल तो हमेशा पीछे रहेगा, यानी कि दोस्तों अन्य पिछड़ा आयोग किसमें है दोस्तों, ये 340 समय बताता, अन्य पिछड़ा आयोग जस्ट उसके ऊपर वाला आप समझ लीजिए कि अनुसूचित जनजाति का आयोग बताता मैं 338, ठीक है, उसके संरक्षण नियम वगैरह के बताता 338 अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान, ठीक है, तो यहाँ से आपको याद है, लेकिन अन्य पिछड़ा आयोग 340 याद रखिएगा, 3-4 तुम 3 बार चलो या 4 बार 40 चलो क्या पीछे तू ही रहेगा, मतलब आगे मैं रहूंगा, ठीक है, इस तरह याद रख सकते हैं। आगे क्या है 343 है, याद किया था 343 भाई साहब ना, तीन आज के युग में 3-4 बोलते हैं ना, 3-4 भाषाएं याद होनी चाहिए, ठीक है, मतलब पता होना चाहिए, जैसे अपनी एक क्षेत्रीय भाषा हो जाएगी और अपनी एक जो कि राजभाषा है पूरे इंडिया में बोली जाती है नंबर 1 में वो, और सेकंड वाली भी याद होनी चाहिए और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज वो भी पता होना चाहिए, था 3-4 भाषा तो पता होना चाहिए ना आज के युग में, तभी आप मतलब कुछ कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं एक ही से, लेकिन फिर भी हम स्टिक से समझे तो यहाँ से आपको याद रहेगा दोस्तों 343 में क्या है, राजभाषा है, ओके याद हो ना। अब देखिए 352 है, 356 है, 360 बहुत ही सिंपल है, 52, 56, 60 क्या है दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति की जो कि दोस्तों क्या है इमरजेंसी, यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय जो कि हमने याद किया था राष्ट्रीय आपात 352 में और राष्ट्रपति शासन 356 में, वित्तीय आपात 360 में, ट्रिक भी बना रखे हैं दोस्तों, अगर कन्फ्यूजन रहता हो वो भी देख सकते हैं, जैसे कि मतलब उथल पुथल हो जाता है ऊपर नीचे कौन सा आएगा, तो दोस्तों यहाँ से याद किया था राष्ट्रीय आपात शासन की राष्ट्रपति शासन और यहाँ से वित्तीय आपात। ओके अब देखिए अगला बच्चा है जो कि लास्ट है 368 है, 368 बोलकर देखिए 3-8 3-8 बोलते हैं ऑप्शन मिलेगा तो आप कर देंगे, लेकिन दोस्तों क्या बोलते हैं 368 भी कल वाली क्लास में नहीं इशू किया था, 3 देखिए दोस्तों अगर संविधान संशोधन करना होता है ना तो उसको बोलते हैं ना
कि तीन तीन की गैपिंग में करो यार, 3 साल 3 महीने 3 दिन, मतलब हर रोज मत करो यार, दिक्कत होगी। इस तरह दोस्तों केवल एक ट्रिक है, हमें कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों 3 वर्ष 3 वर्षों के बाद करो ना, वर्षा यानी कि दोस्तों संविधान संशोधन करना, तो 3 वर्ष वर्षा इस तरह याद की 68 वर्षा। दोस्तों संविधान संशोधन किसमें हुआ, तो ये दोस्तों हुआ 368 में। आपको दोस्तों विश्वास नहीं होता होगा कि यार मैं ये सब इतना को खिचड़ी लिखा हुआ कैसे माइंड में स्टोर करके बताता हुआ चला जाता हूँ, बिना इसके पिए बिना किसी का सहारा लिए बुक वगैरह, कैसे मुमकिन है, रियल में आप सोचते होंगे ऐसा। तो दोस्तों इसका एक सिंपल है कि मेरे पास हथियार है, वो हथियार है ट्रिक, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। 6 क्लास में 15 मिनट की क्लास है, आप स्क्रीनशॉट इसे क्या लेंगे यार, इसमें लिखा गया है समझ में नहीं आ गया वो। तो दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण तरीके से आपको रियल में सारे अनुच्छेद फिट हो गए होंगे अभी तक के, और दोस्तों आप बताएंगे तो इसमें मैं जो कि क्विज होती है ना वो भी लेकर आ जाऊंगा, जो कि आपको दोस्तों कुछ भी टॉपिक पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए ना उसका दोस्तों बोलते ना परफेक्ट पढ़े, कि एक ही बार में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, बिल्कुल तगड़े तरीके से सब कुछ याद हो जाए, ऐसा पढ़ोगे एक ही बार में याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अभी तक आपने ढेर सारी वीडियो देखा होगा और अब भी कन्फ्यूजन रहता होगा, लेकिन अब रियल में दोस्तों आप देखे होंगे कि आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं रहता होगा, कभी शानदार तरीके से सारे अनुच्छेद एक ही बार में उड़ गए होंगे, माइंड में आ गए होंगे उड़कर, ठीक है। दोस्तों कैसी लगी क्लास, रियल में आप बताइएगा, रियल में मजा आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये अनुच्छेद रियल में कोई मामूली बात नहीं होती कि याद करा दें किसी को डायरेक्ट, वो भी अंकों वाली, शब्द से होता तो हो जाता लेकिन अंकों में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों फीडबैक जरूर दीजिएगा, और पिछली क्लास आप देखिएगा अनुच्छेद वाली, भाग वाली, और जो कि संविधान के स्रोत हो, इनमें सारी ट्रिक बन चुकी है, लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों कैसी लगेगी फीडबैक जरूर दीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका सपोर्ट हमारा प्रयास, जय हिंद।